लगा दिया बी आर, ये बेंजीन नाभिक पर NH2। ये क्या है आप सेम रख लो यहां पे, क्या एन ए एन ओ टू और प्लस ये क्या है आपका 2HCl। और एज द कैटलिस्ट जेम यूज करो यहां पे, कंडीशन क्या है लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस और HNO2। अब यहां पे क्या बनने वाला है आपका Br सेम रहा होगा तो इसका नाम क्या होगा भाई, नाम चेंज नहीं होगा N, बस यहां पर जो सब्स्टिट्यूट लगाया उसकी वजह से नाम चेंज हो जाएगा और सेम रहा होगा साइड प्रोडक्ट और पानी का मॉलिक्यूल। तो ये जो क्या होगा आपका पैराब्रोमो, पैराब्रोमो बेंजीन, बेंजीन डाइकेजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या है पैराब्रोमो बेंजीन डाइकेजोनियम क्लोराइड, ये प्राप्त होगा आपको। अब देखिए ये तो है इनके सभी के प्रिपरेशन मेथड, तो आप एनिलीन पर सब्स्टिट्यूट वो कुछ भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट नाम चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, बस ऑर्थो पर लगाओ ऑर्थो पैरा मेटा ऐसे करके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम कंडीशन नहीं होगी, सेम कैटलिस्ट रहा होगा और सेम नाइट्रोसो एसिड रहा होगा, एसिड रहा होगा, ठीक है। तो उसमें कोई चेंज नहीं है। अब भाई साहब इसकी देखना है आपका सिंथेटिक एप्लीकेशन सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस एप्लीकेशन, ठीक है, संश्लेषित अनुप्रयोग। अब देखिए यहां पे करने वाले हम इसके सिंथेसिस अनुप्रयोग, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम क्या करने वाले हैं सिंथेसिस एप्लीकेशन, ये क्या है आपका सिंथेसिस एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, ये क्या आपका सिंथेसिस एप्लीकेशन। तो ये यूज करने वाले आप सिंथेसिस एप्लीकेशन, तो ठीक है सिंथेसिस एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन कराना जल से, रिएक्शन विद, आप सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन भाई साहब आप सबसे पहले आप क्या प्राप्त करोगे, अब इसकी रिएक्शन आपको करानी है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो क्या करेंगे आप एक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल या रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आप प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, देखिए आप फिनोल कैसे बनाओगे इससे, तो आप क्या करोगे जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे डाइएजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो क्या करोगे देखिए यहां पे ये क्या है आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पानी के मॉलिक्यूल के साथ कराने पर ये क्या है आपका पानी का मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल के साथ जैसे कराओगे तो जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है ना वो आपको यहां से क्या मिलने वाला है आपको यहां पर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होने वाला है बेंजीन रिंग से, ये क्या है आपका फिनोल। तो ये क्या हुआ इसका एक एप्लीकेशन। और यहां पर जो NO2 दिखाई पड़ रहा है N2 यहां से क्या निकलने वाला है, ये एक बेस लिविंग ग्रुप है तो यहां से बाहर निकल गया N2 और साइड प्रोडक्ट बनने वाला क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। और भाई साहब आप फिनोल ऐसे ऐसे फिनोल आप प्राप्त कर सकते हो जिससे आप फिनोल को प्राप्त नहीं कर सकते इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा, ऐसे फिनोल को भी आप प्राप्त कर सकते हो इस मेथड के द्वारा भाई, ऐसे फिनोल जो कि आप इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्राप्त नहीं कर सकते वो भी आप फिनोल यहां पे बना सकते हो। एग्जाम्पल की यदि बात करें ये क्या है आपको N2, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका NH2। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, ये क्या है NaNO2
प्लस HCl और यहाँ पर क्या रहा होगा टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है भैया आपका डाइबेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यही बनने वाला है भाई। नेम चेंज होगा कोई प्रॉब्लम नहीं आपको N ये क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर क्या लगाना Cl माइनस और ये क्या लगाना प्लस ठीक है। तो यहाँ की ये कौन सी पोजिशन आपकी ओर तो ये कौन सी आपकी मेटा मेटा नाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का नाम होने वाला है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे हमें तो रिएक्शन कराने से मतलब है। जब आप इसकी रिएक्शन किससे कराओगे हाइड्रोलाइसिस मतलब के पानी के मॉलिक्यूल से कराओगे तो आपको जो प्राप्त होने वाला है ना बहुत अच्छा सा फिनोल प्राप्त होने वाला है। कौन सा आपका ये देख लीजिए फिनोल है आपका ठीक है। इस फिनोल को आप इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते तो इस मेथड के द्वारा हम ऐसे फिनोल का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं जो कि हम प्राप्त नहीं कर सकते इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा ठीक है भाई। अब बात करें भाई रिएक्शन विद अल्कोहल भी आपको बेंजीन प्राप्त करनी है आपको। अब क्या प्राप्त करनी है आपको बेंजीन। अब बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे देखिए यहां पे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन नेक्स्ट जो क्या है आपका प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब भाई साहब बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे अब आप जो बेंजीन प्राप्त करने वाले हो कैसे यहां से प्राप्त करोगे तो प्रिपरेशन ऑफ जो बेंजीन है ना तो आप क्या करोगे इसकी रिएक्शन आप रिएक्शन विद किसके साथ कराओगे आप अल्कोहल। तो अल्कोहल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराने पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्या प्राप्त होगा आपको बेंजीन प्राप्त होगी ठीक है। तो कराइए आप रिएक्शन ये आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त कीजिए पहले ये बना लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये प्राप्त करा आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ठीक है। एन ट्रिपल बॉन्ड एन ये क्या है सीएल माइनस और ये क्या है आपका प्लस और ये क्या बनने वाला है आपने यहां पर क्या ले लिया आपने आपने यहां पर एल्कोहल ले लीजिए कौन सा एल्कोहल लेंगे आपका CH3 और ये क्या है आपका CH2 और ये क्या है यहां पे OH ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा जो रिएक्शन होगी वो क्या बनने वाली है आपको बेंजीन प्राप्त होगी। बेंजीन कैसे प्राप्त होगी यहां पर ये बेंजीन प्राप्त होगी इसे लिख सकते हो आप C6H6 ये क्या प्राप्त होगी आपको बेंजीन ठीक है। ये बेंजीन आपको प्राप्त हुई साइड प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है आपको CH3 ये क्या है CH ठीक है ये क्या है आपका एसिड एसिटाल्डिहाइड तो क्या प्राप्त होगा आपको एसिटाल्डिहाइड और इसके साथ जो साइड प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा आपको N2 ये तो बाहर निकलेगा यहां से ठीक है। तो आपको बेंजीन मिलेगी भाई। अब आप देखिए क्या करते हो यहां पे जब आप इसका रिडक्शन भी करेंगे ना कापरिक क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो रिएक्शन है कापरिक क्लोराइड एज द कैटलिस्ट जब आप यूज करते हो ना तो आपको और उसके साथ साथ हाइपोफास्फोरिक अमल भी यूज कर सकते हो तो वो क्या करेगा उसका रिडक्शन होगा जैसे रिडक्शन होगा तब भी आपको क्या मिलने वाली है बेंजीन रिंग मिलने वाली है। तो करिए यहां पर रिएक्शन आपने क्या करा ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी आपने कापरिक क्लोराइड एज द यहां पर क्या है कैटलिस्ट ठीक है। और साथ में क्या यूज किया आपने H3PO4 इसका नाम क्या है आपका ये क्या है आपका हाइपोफास्फोरिक अमल हाइपोफास्फोरिक अमल की रिएक्शन एज द कैटलिस्ट Cu कापरिक क्लोराइड के साथ कराने पर आपको क्या प्राप्त होने वाली है बेंजीन प्राप्त होने वाली है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगी बेंजीन मिल जाएगी ठीक है। और इस साइड प्रोडक्ट क्या होगा आपका N2 प्लस H3PO4 और ये क्या प्राप्त होने वाला है HCl। तो ये इसके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ कराने पर आपको डेरिवेटिव जो मिलेंगे हैलोएरीन प्राप्त होंगे मतलब कि आपका N2 ग्रुप वहां से एलिमिनेट होगा और यहां पे आपका HCl एलिमिनेट होने वाला है तो क्या मिलने वाला आपको हैलोएरीन प्राप्त होगी। हैलोएरीन का मतलब क्या है लेट अस सपोज आपने क्या लिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये डाइबेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड N ये क्या है Cl नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव। अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करने वाले हो HCl और ध्यान रहे
इसकी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, कॉपर डस्ट, मतलब कि कॉपर के चूर्ण की उपस्थिति में ही आपको रिएक्शन करानी है। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या मिलने वाला है, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। तो यहां पर क्या प्राप्त होगा आपको, ये जो प्राप्त होगा आपका बेंजीन रिंग, ये क्या है आपका हेलो एरिन, यहां पे HCl यूज करा तो यहां पर क्या मिला बेंजीन क्लोराइड, ये क्या प्राप्त हुआ आपको बेंजीन क्लोराइड, इसे ही बोलते हैं हेलो एरिन, बेंजीन क्लोराइड। और साइड प्रोडक्ट मिलने वाला है आपका N2 मिलने वाला है और यहां से क्या मिलने वाला है आपका HCl। अब यहां पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड की आप हैलोजन एसिड ले लीजिए, यहां पर क्या लीजिए HBr, तो साइड प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो हेलो एरिन ही प्राप्त होगी, लेकिन उसका नाम क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है बेंजीन ब्रोमाइड, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट क्या है N2 और ये क्या है आपका HBr प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको प्राप्त होगा। अब आप यहां पे क्या ले लीजिए HCl ले लीजिए, लेट अस सपोज आपने क्या ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, सेम रिएक्शन आप HCl से जब करोगे तो बनने वाला जो, ठीक है, ये बेंजो नाइट्राइल आपको प्राप्त होगा, साइड प्रोडक्ट वही आपको मिलेगा N2, ठीक है। इन्हें क्या नाम देते हैं सैंडमायर रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शन है आपकी, आप सैंडमायर रिएक्शन, ठीक है, सैंडमायर नहीं अभी कहें गाटरमान की ये कलाई हुई है, ठीक है, सैंडमायर रिएक्शन। तो आपकी CuCN के साथ जब कराएंगे आपकी तब होगी सैंडमायर अभिक्रिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका हैलोजन एसिड आपको प्राप्त हुए। अब भाई साहब आप क्या करोगे गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन क्या होती है भाई, गाटरमान, ठीक है। अब भाई साहब आप रिएक्शन किसके साथ करोगे गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन क्या होती है आपकी, गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन। अब बात करें गाटरमान रिएक्शन क्या होती है, अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जो रिएक्शन है कॉपर डस्ट की उपस्थिति में कराओगे आप किसी भी हाइड्रो हैलोजन एसिड, ठीक है, क्या ले लिया आपने, ये क्या है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये ले लिया आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N(NNN) और ये क्या है आपका Cl, ये क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन आप किससे करा रहे हो HCl, लेकिन आपने क्या बदल दिया, वहां पे क्या था Cu2Cl, यहां पर क्या हो गया भाई, थोड़ा वन मिनट उल्टा हो गया शायद, कॉपर डस्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको कॉपर डस्ट नहीं लेना है, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड लेना है, अभी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, क्लोराइड लेना है अभी आपको, डस्ट नहीं लेना, ठीक है, ये क्या करोगे यहाँ पे आप डस्ट ले लीजिए, ठीक है, Cu2Cl2, ठीक है, ये लेना है। तो इन्हें क्या करोगे, यहाँ पर भी लेना है आपको और यहाँ पर भी लेना है आपको डस्ट, ठीक है, जरूर लेना है आपका Cu2Cl2, ठीक है, और यहाँ भी आपको यूज करना है Cu2Cl2, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये प्लस कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या बनने वाला है, इन रिएक्शनों का नाम होगा सैंडमायर अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया होगी, सैंडमायर, तो कौन सी रिएक्शन है सैंडमायर रिएक्शन, ठीक है। अब गाटरमान रिएक्शन में क्या होगा, अंतर थोड़ा सा ही है यहाँ पे गाटरमान में और सैंडमायर में, यहाँ वहां पर आपको कॉपर क्लोराइड लेना था, तो यहाँ पर क्या लेंगे आप, यहाँ पर क्या लेंगे, ओनली डस्ट लेंगे भाई, चूर्ण कॉपर का चूर्ण लेंगे डस्ट, ठीक है, डस्ट लेंगे आप चूर्ण। तो यहाँ पर जो बनने वाले रिएक्शन है गाटरमान जो रिएक्शन है, इसमें क्या होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो ब्रोमिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, सैंडमायर में और इसमें क्या रिएक्शन है, अंतर है, इस सैंडमायर में आप क्या लेते हो Cu2Cl2 लेते हो और इसमें क्या लेते हो आप कॉपर डस्ट लेते हो, कॉपर डस्ट जैसे आप लोगे तो ये क्या बनने वाला है आपका,
तो यहां पर क्या बनने वाला है, आपका यहां पर Cl लगने वाला है, और जो आपको रिएक्शन प्राप्त होगी वो क्या है यहां पे N2, और ये क्या है आपका HCl प्राप्त होने वाला है। तो सेम आप कंडीशन लेते रहिए यहां पे, और क्या लोगे यहां पर HBr भी ले सकते हो, जैसे आप HBr ऐड करोगे और आपको कॉपर डस्ट यूज करोगे तो पता लगा जो बनने वाला प्रोडक्ट ना वो आपका जो बनेगा ना वो ये बनेगा बेंजीन, वो क्या है क्लोराइड, और ये क्या है बेंजीन ब्रोमाइड मिलने वाला है, साइड प्रोडक्ट N2, और ये क्या है आपका HCl प्राप्त होने वाला है। ठीक है भाई, ये आपको मिलने वाला है। तो आप सेम क्या करोगे, आप रिएक्शन HCN के साथ करा दीजिए, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे रिएक्शन कीजिए, रिएक्शन किसके करोगे यहाँ पे आप HCN, HCN की रिएक्शन करो, और क्या करोगे कॉपर डस्ट जब यूज करोगे तो आपको मिलने वाला है, तो CN ग्रुप आपका बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगा और साइड प्रोडक्ट N2, और ये क्या है HCl प्राप्त होने वाला है। ठीक है, अब देखिए भाई साहब आपको क्या आयडो, अब आपको आयडो बेंजीन प्राप्त करनी है, ठीक है, रिएक्शन विद के आई। अब देखो भाई रिएक्शन किसके साथ करोगे आप, रिएक्शन विद किया, ठीक है, जब आप रिएक्शन किया है पोटेशियम आयोडाइड के साथ प्राप्त करोगे ना तो आपको बेंजीन आयोडाइड मिलने वाला है, क्या मिलेगा आपको बेंजीन आयोडाइड, ठीक है, तो क्या होगा आपका बेंजीन आयोडाइड। तो ये ले लिया आपने डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप ले लीजिए, ये ले लिया आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और रिएक्शन किसके साथ कराई केआई, और क्या ले लिया आपने यहां पर कुछ नहीं लेना है, जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा बेंजीन बेंजीन आयोडाइड, और साइड प्रोडक्ट N2, और ये क्या है आपका जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा आपका KCl मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए भाई साहब इसके बाद कर रहे हैं वाल सीमान अभिक्रिया क्या होती है भाई साहब, ये क्या है वाल सीमान, ठीक है, अब वाल सीमान रिएक्शन क्या होती है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप किससे कराते हो, इस रिएक्शन में आप क्या कराते हो हाइड्रोफ्लोरो, किसके साथ हाइड्रोफ्लोरो बोरेट, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरो बोरेट के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, और ठंडे विलयन के साथ कराएंगे, किसकी रिएक्शन कराएंगे आपका हाइड्रोफ्लोरो बोरिक एसिड। तो बाल सीमांस जो रिएक्शन होती है उसमें क्या करते हो बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप कोल्ड सॉल्यूशन के साथ, कौन सा सॉल्यूशन होगा आपका हाइड्रोफ्लोरोबोरिक अम्ल लेंगे, ठीक है, कराने पर आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसका नाम बेंजीन डाइजोनियम बेंजोनियम आपका क्या होगा फ्लोरोबोरेट होगा, और फ्लोरोबोरेट की आप क्या करोगे हीट करोगे तब आपको मिलने वाला है फ्लोरोबेंजीन। आप डायरेक्ट फ्लोरीन प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब के फ्लोरोबेंजीन डायरेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, तो आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी, आपकी HF से रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो क्या करोगे आप, ये HF के साथ रिएक्शन करोगे, तो HF के साथ रिएक्शन कीजिए, ये क्या आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये ले लिया आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये ले लिया आपने। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको HBF, ठीक है, इसका नाम क्या है हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, क्या नाम है इसका हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। अब क्या करोगे इसकी जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या होना कोल्ड सॉल्यूशन होना चाहिए इसका, ठीक है, अब आप रिएक्शन कराओगे तो मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलने वाला है आपका, ये क्या है आपका बेंजीन, और ये क्या है आपका N2,
यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये क्या चलेगा HCl यहाँ से बाहर निकलेगा और BF4 आपको मिलने वाला है ठीक है BF4 आपको यहाँ से प्राप्त होगा ये क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज और आपको HCl यहाँ से बाहर मिलने वाला है इसका नाम क्या है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट क्या नाम है बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम ठीक है फ्लोरोबोरेट ठीक है ये आपको प्राप्त होगा अब बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरेट का जब आप क्या करोगे आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलने वाली है बेंजीन फ्लोराइड आपको प्राप्त होने वाली है ये क्या है बेंजीन फ्लोराइड क्या है फ्लोराइड आपको प्राप्त होने वाली है N2 और BF ये क्या है आपका 3 आपको प्राप्त होने वाला है एज द साइड प्रोडक्ट ठीक है तो आपका ये क्या है ना वाल सीमान जो अभी दिया है वो HF4 के साथ रिएक्शन है हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन है तो ये स्पेशल वाल सीमान जो लिख दिया है ये आपको बेंजीन फ्लोराइड का बनाने का एक मेथड है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद।